आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर ताजमहल के पास बनी मस्जिद के पास एक लड़की का शव बरामद हुआ, जिसे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। और जिस युवती का शव मस्जिद से बरामद हुआ है, हत्यारे ने उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाए। देखिए रिपोर्ट। ये है आगरा का ताजगंज इलाका, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मस्जिद से युवती का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। घटना हैरान करने वाली है, क्योंकि मस्जिद से जिस युवती का शव बरामद हुआ, उसके चेहरे को पत्थर से कुचलकर बिगाड़ दिया गया था, ताकि मृतिका की पहचान उजागर ना हो सके। युवती का शव ताजमहल पूर्वी गेट के पास नगला पैमा मस्जिद परिसर में मिला। आपको बता दें कि मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने आए लोगों ने सबसे पहले शव को देखा और वो हक्के बक्के रह गए। शव की हालत खराब थी, लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों को लगा दिया गया है। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव अर्धनग्न हालत में मिला, जबकि युवती के कपड़े भी फटे हुए थे। ऐसे में हत्या से पहले युवती से दुष्कर्म किए जाने की भी आशंका है, इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से हत्यारे का सुराग निकाला जा सके। पुलिस के मुताबिक मृतक युवती सफेद सलवार और चेकदार कमीज पहने हुए थी।